हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया के अगेंस्ट चाइना रहता है हर जगह में, यूनाइटेड नेशंस में अभी भी उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और जो हम कोशिश कर रहे थे कि उनका जो टेररिस्ट है उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, फिर भी चाइना ने विरोध किया हमारा और वो काम नहीं होने दिया। फिर भी इंडियंस चाइना में आकर सामान क्यों खरीदते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला गया। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि क्यों इंडियंस चाइना में आते हैं और यहाँ बिज़नेस करते हैं। सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरे दुनिया के लोग यहाँ आते बिज़नेस करते हैं, उसका रीज़न क्या है। मैं यहाँ पर एक शॉप में आया हूँ, उसका नाम है हाई, ये हॉटपॉट की शॉप है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँगा आपको पॉइंट बाई पॉइंट कि यहाँ पर लोग बिज़नेस क्यों करते हैं। आप देखिए दोस्तों, ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है हाई और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि दो दो तीन तीन घंटे की वेटिंग होती है और लोग वेट करते हैं। यहाँ पर कोई ख़ासियत है इसकी, और जब आप वेट कर रहे हैं ये आपके नेल्स को साफ़ करेंगे, आपको फैसिलिटी देते हैं ये फ्री में, और साथ में आपके हैंड जो मसाज होती है वो करेंगे, क्योंकि आपको वेट कर रहे हैं तो वेट करने के लिए आपको टाइम पास करना है तो ये फैसिलिटीज़ देते हैं। इवन कि आपके बूट पॉलिश की भी फैसिलिटी ये देते हैं आपको। अगर आपको आर्टिफिशियल नेल्स लगवाने हैं तो ये वहाँ पर सारे वहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं, आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से आपको। लेडीज़ को शौक होते हैं इन चीज़ों का, ये फ्री में करके देते हैं आपको। और जब ये बाहर आप वेट कर रहे हो और जब वेट कर रहे हो साथ में आपको स्नैक्स देंगे, आपको जूस देंगे, आपको साथ में फ्रूट देंगे ताकि आप टाइम पास कर सकें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जब आप बाहर वेट कर रहे हैं। साथ में आपके पास एक आदमी आएगा, आपको हॉट टॉवल देगा कि आप गर्मी से आए हैं बाहर, अपने फेस को अपने साफ़ करना है, हाथ साफ़ करना है, तो आपको टॉवल देकर जाएंगे। और जब आप अंदर जाते हैं तो आपको एप्रन दिया जाता है ताकि आपके कपड़े गंदे ना हों, और दोबारा से आपको हॉट टॉवल दिया जाता है ताकि खाना खाने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ये इनके सर्विस का लेवल है, आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। और उसके बाद हम देखते हैं खाने की क्वालिटी, जो खाने पूरा वेजिटेरियन है, पूरा खाने की क्वालिटी, हाई क्लास जो चीज़ें हैं वो ढूंढेंगे ये, कि कभी भी घटिया चीज़ नहीं रखते वहाँ पर। और जो टेबल पे खाना आता है वो भी सारा हाई स्टैंडर्ड, हाई लेवल ऑफ क्वालिटी, और ये माने हुए हैं चीज़ों के लिए। और चाइनीज़ की यही खासियत है कि जब ये काम करेंगे दिल से करते हैं, आपका पूरा ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से, क्वालिटी का सामान दिखाएंगे आपको, देंगे क्या वो बात की बात करेंगे, लेकिन आपको क्वालिटी दिखाएंगे अच्छी तरह से। अब आप देखिए उसके बाद क्या है कि ये सिर्फ खाना हो गया, फिर ये एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखते हैं कि आपके पास कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए। अब किसी ने ये नूडल्स हमने वो किए ऑर्डर किए तो ये आपके सामने आकर ये नूडल्स जगलिंग करेगा, जैसे जोकर करते हैं अपने यहाँ पर ना, तो वैसे जगलिंग करते करते ये नूडल्स के उसको लंबा लंबा करता रहेगा और ये नूडल्स आपके सामने बनाता है ताकि आपके जैसे बच्चे बैठे हैं वहाँ पर तो बच्चों के लिए भी कुछ रखा है उन्होंने ताकि बच्चे देखते हैं खुश होते हैं। देन दे से कि पापा हमें वहाँ पे जाना है क्योंकि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिलती है। ये चीज़ें हैं जो चाइना को अलग करती हैं बाकियों से। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया अभी कि किस तरह से ये लोग एक एक चीज़ की डिटेल्स को ध्यान देते हैं। जब आप यहाँ पर बिज़नेस करने आते हैं तो इनको ये नहीं होता कि हमने सामान बेचना है, उसके साथ ही रिलेशन बनाते हैं आपके साथ, ये ट्रस्ट फील, आपको ट्रस्टेड फील करते हैं, करवाते हैं। आपको ये ऐसा फील होगा कि आप अपनी फैमिली में वापस आएंगे, आपको क्वालिटी की चीज़ें देंगे, ये आपको दिखाएंगे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी एक एक डिटेल का ध्यान रखेंगे, आपने कब होटल जाना है, कब होटल से निकलना है, आपने खाना खाया नहीं खाया, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, हर चीज़ करेंगे आपके लिए। ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि इंडिया में मिसिंग है वो ये। अच्छा सेकेंडली ये फ़कर करते हैं, जब आप यहाँ पर आते हैं आपको दिखाएंगे कि चाइना कितना ग्रेट है, चाइना की तरक्की कितनी हुई है। ये एक एक आदमी इस कंट्री का एक ब्रांड एम्बेसडर है, वो आपको एयरपोर्ट से पिकअप करने से लेकर एयरपोर्ट वापस छोड़ने तक ये पूरा ध्यान रखते हैं आपका। अब मैंने आपको दिखाया इस एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये शॉप दिखाई आपको, मैं कोई इनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ एक सर्विस लेवल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्विस क्या होती है। बेशक आप इनके कस्टमर बने ना बने, आप बाहर बैठे हैं और वहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं तो यू कैन जस्ट लीव, ये आपको पूरा स्नैक्स देंगे, फ्रूट देंगे, आपको जूस देंगे पीने के लिए। इनको पता है कि आधे से ज़्यादा कस्टमर को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जिसने ऐसी सर्विसेज ली होगी, अगर उसने आज नहीं खरीदा वो कल ज़रूर खरीदेगा, क्योंकि ये सर्विस आपको कहीं और मिल नहीं सकती।
ये डिफरेंस है चाइना में और बाकियों में, जो इन्हें दे मेक यू फील अपार्ट, दे फील मेक यू फील डिफरेंट। और इसीलिए ये रीज़न है जिसके कारण इंडियंस के साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करते, बट इनके साथ पसंद करते हैं। उनको मालूम भी होता है कि ये हमें कहीं ना कहीं चीट कर लेंगे, हमें ठग लेंगे, हमें सामान गलत देंगे, लेकिन जो बाकी के फैक्टर्स हैं ये लोगों को मजबूर करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स चाइना। और यहाँ आकर लोग पागल हो जाते हैं। ऊपर से देखे, आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको एक क्वालिटी की चीज़ देखने में क्वालिटी है, आपको प्राइस कम है, क्वांटिटी अच्छी मिलती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जल्दी से आपके पास कंट्री में सामान पहुंच भी जाएगा, उसके ऊपर आपको एक पर्सनल टच है, वन टू वन इंटरेक्शन है, आपका ध्यान रखा जाता है, सर्विस लेवल्स बहुत अच्छे हैं, बोलने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार से बोलते भी हैं अगर इनको लगे कि आप इनसे बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इंडियंस को यहाँ अट्रैक्ट करती हैं। नॉट ओनली इंडियंस, मैंने पहले बताया पूरी दुनिया के लोग अगर यहाँ आते हैं तो वो रीज़न है, क्योंकि उन्हें जो चीज यहाँ मिल सकता है, और इतनी वैरायटी है यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कि आप सोच नहीं सकते। अगर हम इंडिया में जाते हैं या किसी और कंट्री में जाएंगे, आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वान्टिटीज मिलती हैं, बट यहाँ पर तो एक समुंदर है, इन्होंने एक ऐसा जाल बिछा के रखा है मैन्युफैक्चरिंग का, और इतनी स्पीड है इनकी मैन्युफैक्चरिंग की कि आप बीट ही नहीं कर सकता फिर उनको। और ठीक है, उसके मैं आपको पहले एक वीडियो में बताया था, उसके चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि इनके कैपेसिटीज इतनी हाई हैं कि अगर इनको ऑर्डर्स ना मिलें तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। जैसे आज की डेट में इनके पास ऑर्डर्स नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड रिसेशन में है, सिर्फ ऑर्डर्स इनको आ रहे हैं तो आ रहे हैं मिडल ईस्ट से और इंडिया से, जिन्होंने इनको बचा के रखा है। लेकिन अगर हम इंडियंस की बात करें, मोदी जी ने बड़ी कोशिश करी कि चाइना से इम्पोर्ट बंद करके हम इंडिया में बनाएं, लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों को, ऐसी सर्विसेज को देखते हैं विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, तो आपका मन करता है कि भाई यहाँ पर आके काम करें। और देखिए, जो यहाँ पे लोग हैं बड़े सॉफ्टली बात करते हैं, हमें इंडिया की तरह नहीं है, अगर बिजनेस मिलेगा तो बड़े प्यार से बात करेंगे, वरना वो देखते भी नहीं आपकी तरफ। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है चीज़ में, और ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अगर इंडियंस को वाकई में ही अपने कंट्री में सुधार लगाना है, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक है सर्विस, सेल्फलेस सर्विस, भाई दिल से आप सर्विस कीजिए, वो आपका कस्टमर बने ना बने, आज भी बनेगा तो कल ज़रूर बनेगा। एक तो ये, दूसरा है क्वालिटी, आप क्वालिटी पे ध्यान रखिए, नॉट ओनली कि दिखने में अच्छा हो, आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए, क्योंकि इंडिया की पहचान चाइना से डिफरेंट कैसे हो सकती है, वो तभी होगी जब हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं मानता हूँ कि क्वालिटी अच्छी नहीं है इंडिया के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन क्वालिटी का प्रोडक्ट बनता है, ए बी एंड सी। जो ए क्वालिटी का मटेरियल है वो महंगा होता है, वो जाता है यूरोप अमेरिका में, जो अच्छी, जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। जो सी क्वालिटी का माल है वो जाता है इंडिया में, नॉट बिकॉज कि ये वहाँ पे बेचना चाहते हैं, क्योंकि जो इंडिया से यहाँ पर ट्रेडर आता है वो घटिया माल खरीदता है सस्ते के चक्कर में, तो ये बोलते हैं जितना पैसे दोगे उसी क्वालिटी का माल मिलेगा। तो ऐसा क्यों है कि अमेरिका में माल जाता है तो वो अच्छी क्वालिटी होती है, इंडिया में घटिया आती है? ये नहीं है कि घटिया बनाते हैं, अच्छा भी बनाते हैं, लेकिन इंडियन ट्रेडर्स यहाँ आके सस्ता माल खरीदते हैं, बढ़िया माल खरीदते ही नहीं। तो आप क्वालिटी का ध्यान रखिए, मेक इन इंडिया पे ध्यान दीजिए, और कोशिश करिए कि वहाँ पर लोगों की ज़रूरत क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम चाइना से आज की डेट पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो हम वहाँ पर कैसे सस्ता बना सकते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल्स की हमारे पास कमी नहीं है, एक सिर्फ विल की कमी है कि भाई अगर हमें सस्ता कहीं से मिल रहा है, हमें ज़रूरत क्या है। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको मालूम है कि मोबाइल में हमारा एक ब्रांड था माइक्रोमैक्स, इतना बड़ा ब्रांड बन गया था, उसने सैमसंग तक को या बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको बीट कर दिया था। एक टाइम पे ऐसा था कि माइक्रोमैक्स की 2 या 3 नंबर की मार्केट थी, सैमसंग एलजी पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे वो था, एमआई वगैरह अभी इंडिया में आई भी नहीं थे, और ये यहाँ से माल बनवाकर लेके जाता था। लेकिन उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी कि मेरा इतना बड़ा ब्रांड है, मैं इतनी बड़ी सेल कर रहा हूँ, मैं इंडिया में फैक्ट्री बनाऊँ, और वो कमी एमआई ने पूरी करी। एमआई ने उनके पास माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया था 2G के मोबाइल, और एमआई ने देख लिया शाओमी ने कि भाई इंडिया में ये कमी है, उसने यहाँ पर आकर 4G लॉन्च कर दिया। 4G के मोबाइल सस्ते थे, उसने पहले दुकान नहीं खोली, उसने ऑनलाइन बेचा,
सस्ता कर दिया माइक्रोमैक्स से, बढ़िया क्वालिटी थी, देखने में अच्छा था, लोगों ने शिफ्ट कर दिया। अरे माइक्रोमैक्स का नाम तक नहीं है, क्यों? हमारे अंदर सोच ही नहीं थी कि हमने अपना भी ब्रांड बनाना है, और या ब्रांड बनाया, पैसे बनाए, तो भाई आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तो लगा सकते थे, असेंबली ही लगा लेते अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी थी। मुझे मालूम है छोटी सी फैसिलिटी इन्होंने बाद में लगाई हिमाचल में, बट इट वॉज टू लेट, MI ऑलरेडी मार्केट को टेक ओवर कर गया था। तो ये कमियां हैं हमारे हिंदुस्तान में और हमारे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन में, कि हम वेट करते रहते हैं गवर्नमेंट को पॉलिसी निकाले, यू नो, हमें कोई इंसेंटिव मिल जाए और हम फिर बनाएंगे। ऐसे काम नहीं चलता। आपको मालूम है कि अभी आईफोन का अगला फ़ोन आया नहीं है, इन्होंने उसका कवर और स्क्रीन निकाल भी दिए, और जैसे ही आईफोन का अगला आएगा, आईफोन 15 आएगा, उसके कवर उसी दिन लॉन्च हो जाएंगे। अभी इंडिया सोच रहा होता है कि जब डिज़ाइन दिखेगा तब हम बनाएंगे। इन्होंने चोरी किया उसका डिज़ाइन, क्या किया है नहीं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, बट उसके डिज़ाइन बनने शुरू हो गए हैं। अब जब तक इंडिया के पास आईफोन 15 आएगा, हम उसके बारे में सोचेंगे, मार्केट ये ऑलरेडी फ्लड कर चुके होंगे पूरे वर्ल्ड में, हम इनकी कॉस्ट को कैसे बीट करेंगे? दैट मीन्स यू हैव टू बी फ्यूचरिस्टिक, आपको आगे की सोचकर आज डिसीजन लेना है। हम ये नहीं कि कल को क्या होगा, जब होगा तब हम डिसाइड करेंगे, देन वी आर टू लेट। यहाँ पे हम चाइना से मार खा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि सर्विस क्या होती है, अपनापन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, और कस्टमर जो है वो भाग के आपकी तरफ क्यों आएगा। ये मैंने हर चीज़ समझा दी। इसलिए जो हम गालियाँ निकालते हैं कई बार इंडियन ट्रेडर्स को कि भाई आप क्यों चाइना से खरीद रहे हो, इंडिया में क्यों नहीं बनाते, गालियाँ निकालनी जायज़ हैं, बट हमें भी सोचना चाहिए कि जो दूसरा कंट्री जैसे चाइना है, जो इतने बढ़िया तरीके से कुछ काम कर रहा है, उसको भी हम कुछ सीखें, कॉपी करें। भाई ये कॉपी मास्टर हैं दुनिया के, हमें इनकी चीज़ों को कॉपी करना भी, जो ये काम करते हैं, एंड देन वी कैन बीट देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में और मैं एक मज़ेदार टॉपिक लेके आऊँगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।